सब्सक्राइब कीजिए टेक टच चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक टच चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ विंडोज 10 पीसी में जो भी हम ऐप को इंस्टॉल करते हैं उसकी सेव ड्राइव को कैसे चेंज करते हो मार्च वीडियो में देखेंगे। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों विंडोज शुरू करते हैं। बहुत ही सिंपल है, तो सबसे पहले आपको विंडोज सेटिंग में जाना है। उसके लिए आपको विंडोज आई प्रेस करना है। विंडोज सेटिंग में जाने के बाद आपको सिस्टम में जाना है। उसके बाद आपको जाना है स्टोरेज में। यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा चेंज वेयर न्यू कॉन्टैक्ट इज सेव्ड, इसको ओपन करना है। यहाँ पे देखिए न्यू ऐप विल सेव टू, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सी है, इसको क्लिक करना है। आप जो चाहे से ड्राइवर सेलेक्ट कर सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए मैं यह करूँगा। उसके बाद आपको अप्लाई कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं लोकल डिस्क ऐप सेलेक्ट हो चुकी है। तो आप इस तरह से विंडोज 10 पीसी में न्यू ऐप सेव ड्राइव को चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक टच।